एच दुष्कर्म मामले में आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भेजा गया जेल। धनबाद जिले के बहुचर्चित SNMMCH दुष्कर्म मामले में जिला पुलिस के सिटी SP ने प्रेस वार्ता कर आरोपी संजय दास की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म मामले में आरोपी संजय दास को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मालूम हो कि SNMMCH धनबाद के महिला वार्ड में इलाजरत अर्धविक्षिप्त 20 वर्षीय युवती के साथ एम्बुलेंस चालक संजय दास व एक अन्य द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के आदेश पर ASP मनोज स्वर्गीय यार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुट गई है। इसी क्रम में ASP मनोज स्वर्गीय यार धनबाद के नेतृत्व में छापेमारी कर भुल्ली स्थित उसके दोस्त के आवास से एम्बुलेंस संख्या GH10AU0540 से भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी संजय दास ने अपने स्वीकार रोक्ति बयान में दोष स्वीकार किया है। हाँ, क्या कल PMC मतलब SNM में एक घटना हुआ था, लाइक एक मेंटली डिस्टर्ब महिला के साथ एक रेप हुआ है, उसका सूचना आया था, उस पर सीनियर सर का तुरंत टीम गठित कर हमारे ASP साहब ने कंसर्न व्यक्ति को उसको गिरफ्तार किया। आज उसको जेल फॉरवर्ड भेज कर नहीं, मतलब वो जांच का विषय, बट अभी ये कि उसका आ रहा है मेन, उसका ही मेन रोल है। और सुरक्षा के लिए सर अभी भी वो, अभी इसी के लिए आप ASP साहब भी, मतलब ADM लॉ एंड ऑर्डर साहब और ASP साहब सब लोग गया है। सुरक्षा एक सिक्योरिटी ऑडिट भी उसमें किया जा रहा है, उसका भी रिव्यू कर। सर ये जो पकड़ा गया है आरोपी, ये कौन है सर और इसका नाम क्या है? ये संजय दास है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, इसका नाम इसका पहले से भी आपात नहीं, इसको वो देखना पड़ेगा। ठीक है।